तो हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं सम्यक आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई स्टोरी के साथ, नई कहानी के साथ, जिसका नाम है कल्पना, इमेजिनेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन, जिसके थ्रू इंसान अपने किस तरह से इंसान ने अपने आप को डेवलप किया, कई सारे आविष्कार किए इसी पावर के थ्रू, जो कि हमको भगवान से एक वरदान के रूप में मिली है, सबको सबको मिली है, ठीक है ना। तो जिस अब बात करता हूँ इस चीज़ पर कि इमेजिनेशन के थ्रू इंसान क्या क्या कर सकता है, और इंसान ने आज अपने कल्पना की शक्ति से, कल्पना की शक्ति इमेजिनेशन से क्या क्या चीज़ कर रखी है और आगे भी सब कुछ कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो इंसान की कल्पना इमेजिनेशन जिसको हम बोलते हैं, हम जिसको मन की सबसे अच्छी कार्यशाला भी बोल सकते हैं, मन की जिसको हम अपनी लेबोरेटरी भी बोल सकते हैं, जिसमें आदमी द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को एक आकार दिया जाता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो बातों को इमेज के रूप में सोचता है, जिससे भी और जो चीज़ हमें पिक्चर्स के माध्यम से बताई जाती हैं वो चीज़ हमें जो है ज़्यादा तक माइंड में रहती हैं, माइंड में याद रहती हैं। यह सब क्रियाएं दिमाग की इमेजिनेशन फैक्ट्री द्वारा की जाती हैं। इमेजिनेशन फैकल्टी क्या होती है, एक तरह से अपनी कल्पना की संकाय होती है, जिसमें माइंड जो है सोचता है, विचारता है, सारी चीज़ें करता है। तो इंसान वह सब कुछ कर सकता है जिसकी वह कल्पना करता है, ठीक है ना। इंसान बहुत सब कुछ कर सकता है जिसकी वो कल्पना करता है। यह समय सबसे अधिक अनुकूल है कल्पनाओं के विकास के लिए, क्योंकि हम सभी जैसा अपने आसपास देख पा रहे हैं कि हर तरफ परिवर्तन तेजी से हो रहा है, ठीक है ना। चेंजेस हो रहे हैं जगह जगह, कोई हर किसी में चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो अपनी फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशनरी की सहायता से यह आज के इंसान ने अपनी इमेजिनेशन पावर द्वारा कई सारी खोजें कर ली हैं। जैसे हमने कई सारी खोजें की है इंसान ने, वैज्ञानिकों ने हमारे, ठीक है ना। तो वो एक पावर ऑफ इमेजिनेशन, जैसा जैसा उन्होंने सोचा वैसा वैसा वो आविष्कार करते चले गए। ये पावर ऑफ इमेजिनेशन है, कल्पना की शक्ति, सोचने समझने की क्षमता है। जो सोचता है वो कर दिया इंसान। और इंसान ने इतिहास की तुलना में अतीत के लगभग 50 सालों के दौरान प्रकृति की इतनी शक्तियों की खोज करके इस्तेमाल किया है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब मान लो प्रकृति तेल की खोज की, यूज़ किया, हवा की खोज की, हवा का यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, पानी का यूज़ किया, हर तरह से जो जो चीज़, कोयले का यूज़ करा, जो जो चीज़ें खोज करता गया उसका इस्तेमाल करता गया। और एक तो एक जिसमें से एक उदाहरण लूँ एरोप्लेन का, जिसमें इंसान ने एरोप्लेन का भी आविष्कार किया। इंसान ने हवा की इस हद तक, हवा पर इस हद तक जीत दर्ज कर ली है, इस हद तक विजय प्राप्त कर ली है कि वह उड़ने में पक्षियों से भी ज़्यादा तेज है, पक्षियों को भी पीछे छोड़ मात दे देता है। तो मानव जाति ने हवा का एक तरह से दोहन ही तो किया, हवा का दोहन किया, और हवा से दुनिया के किसी भी हिस्से को एक साथ तुरंत कनेक्ट कर सकता है। इसके लिए बहुत आसान, बहुत बेहतरीन बेहतरीन साधन बनाए गए हैं, काम में लाया गया, रूप में काम करवाया गया। लेकिन अपनी रिसर्च के दौरान मानव ने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से सूर्य चंद्रमा की दूरी का भी पता लगा लिया कि पृथ्वी से कितने करोड़ों हजारों किलोमीटर दूर है, कितने किलोमीटर दूर है सूर्य चंद्रमा। इंसान ने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अपनी गति को इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है ना कि वह आने वाले समय में हो सकता है उसका मन किया न्यूयॉर्क में नाश्ता करते हैं, न्यूयॉर्क में पहुंचकर पटाख से नाश्ता करने, भारत में लंच और डिनर करते हैं, भारत में आगे लंच डिनर कर, एक मतलब बहुत जल्दी कुछ घंटों की देरी में इतना सब पाने के बाद भी आदमी अभी भी नहीं अपने रुक रहा, अपनी इमेजिनेशन फैकल्टी को उपयोग डेवलपमेंट का शीर्ष नहीं पहुंच पाया है, समझ रहे हो। इतना सब करने के बाद भी अपनी इमेजिनेशन फैकल्टी की, जो हमारी कार्यशाला इमेजिनेशन कार्यशाला की संकाय है, उसके डेवलपमेंट इतना करने के बाद भी उसके शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। इतनी पावरफुल है, इतना बड़ा है इमेजिनेशन फैकल्टी हमारा, इतना बड़ा है, इसका अभी तो कुछ पार्ट ही हम लोगों ने इतनी खोज करने के बाद ही पहुँच पाए हैं। इंसान ने अपनी सिर्फ खोज की है, अभी सिर्फ खोज की है ना, कि उसके पास एक कल्पना है और इसे वो बहुत साधारण तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। तो दोस्तों ये थी आज की बात जो कि मैं आपको बताना चाहता था। हम अपनी इमेजिनेशन पावर के थ्रू, इमेजिनेशन फैकल्टी के थ्रू अपने उसको धीरे धीरे डेवलप कर कुछ भी कर सकते हैं। जैसा हम सोच सकते हैं हम लोग वैसा कर सकते हैं, आज का इंसान कुछ भी कर सकता है। तो समाप्त करते हैं दोस्तों आज का वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, कुछ अगर आपको अलग से जानकारी मिली हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, नए अगर आप आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें। बस इतना ही दोस्तों।